हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आर्टिकल का वीडियो है जिसमें हम आर्टिकल कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में हम आर्टिकल की प्रैक्टिस करेंगे। एक आर सोल्ड बाय डज़न, सोचो क्या होगा। एक आर सोल्ड बाय डज़न मतलब कि अंडे दर्जन से बेचे गए, लीटर से तो नहीं बेचे गए, किलो से तो नहीं बेचे गए, डज़न से ही बेचे गए। मतलब दर्जन से बेचे जाने पर हम उसे डिफाइनेट आर्टिकल की तरह यूज़ करेंगे, बताएंगे कि ये एक दर्जन से ही बेचे गए। ठीक है, तो द का इस्तेमाल होगा। एक आर सोल्ड बाय द डज़न, ऑप्शन नंबर बी इट इज़ द राइट आंसर। एक्सीडेंट टुक प्लेस हियर यस्टरडे मतलब कि इस जगह पर कल एक्सीडेंट हुआ था, मतलब उसी जगह पर हुआ था, दूसरी जगह तो हुआ नहीं, ये सेंस दे रहा है। तो आप बताओ कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा, द एक्सीडेंट टुक प्लेस हियर यस्टरडे। ठीक है, पेट्रियट इन हिम फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन आर्मी। जो देशभक्त होते हैं वो फोर्स में मतलब कि आर्मी में ज्वाइन करते हैं। तो कौन सा आर्टिकल यूज़ होना चाहिए यहाँ पर होगा। देशभक्त जो लिखा है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होना चाहिए, तो यहाँ पर होगा द पेट्रियट इन हिम फोर्स हिम टू ज्वाइन द आर्मी। किसको क्या ज्वाइन, आर्मी। एक पोजीशन को, एक फील्ड को चुना है तो द का इस्तेमाल होगा। फील्ड तो कई सारी होती है लेकिन उसने आर्मी को सिलेक्ट किया है इसलिए द का इस्तेमाल होगा। ऑप्शन नंबर सी इट इज़ द राइट आंसर। स्विच ऑफ लाइट, आपके यहाँ पर फैन भी होंगे, आपके यहाँ टीवी भी होगी, आपके यहाँ कूलर भी होंगे, आपके यहाँ सब कुछ है देखो, लेकिन उसने सिर्फ़ और सिर्फ लाइट बंद करने को कहा, दूसरी चीज़ें तो बंद करने को नहीं कहा। तो एक पर्टिकुलर चीज़ को बंद करने को कहा तो आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे। आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे, स्विच ऑफ द लाइट, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ उसने लाइट को ही बंद करने को कहा है। फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड। इसका मोटा मोटा मैं इसका अर्थ बताता हूँ, अपना वही है जो अपने काम आवे। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। इसमें आर्टिकल यूज़ होगा, देखो ध्यान से, यहाँ फ्रेंड लिखा है। ठीक है, तो फ्रेंड कैसा है, इसमें कैसा उच्चारण आ रहा है, स्वर का या व्यंजन का। इसमें व्यंजन का उच्चारण आ रहा है तो ए का यूज़ होगा। ठीक है, तो ए यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, तो दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल हो रहा होगा, और यहाँ पर भी फ्रेंड ही है तो यहाँ पर भी ए का ही इस्तेमाल होगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इट इज़ द राइट आंसर। मिस्टर पांडे इज़ सीनियर टीचर, क्या बनेगा, बहुत इजी है। मिस्टर पांडे इज़ अ सीनियर टीचर मतलब कि मिस्टर पांडे एक सीनियर टीचर है। ऑप्शन नंबर बी इट इज़ द राइट आंसर। डू यू प्ले हॉकी, आप हॉकी खेलते हो। कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, मैंने पहले ही कहा था कि कोई गेम के पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। अगर आपने नोट करा होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जितने भी रूल बताएं इसको कॉपी में नोट कर लेना, ऐसे हर वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। डू यू प्ले हॉकी, ठीक है, इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फोर। अब दो बचे हैं, इसका आंसर आप बताओ। नाउ यू हैव इंटरेस्टिंग बुक, अब आपके पास इंटरेस्टिंग बुक है। देखो ये लिखा है इंटरेस्टिंग, अब इंटरेस्टिंग लिखा है तो यहाँ पर हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे या फिर आर्टिकल एन का यूज़ करोगे। यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज़ होगा क्योंकि इंटरेस्टिंग लिखा है जो कि इमली का ई से चालू हो रहा है, जो कि स्वर है, और जहाँ पर भी स्वर होता है वहाँ पर हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ यू हैव एन इंटरेस्टिंग बुक, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। चले आगे, इज़ ही गोइंग टू द यूके बाय एयर, अब बताइए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ये जो एयर लिखा है इसमें किसी प्रकार का कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपको इसका आंसर देना बनता है, इट इज़ पी।
प्लीजेंट टू रीड नॉवेल इन इवनिंग। आई होप आपने सोच लिया होगा, आपको इसका आंसर कमेंट में लिखना है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो चलाया है, आपको कुछ समझ में आया है, तो आप इसका आंसर कमेंट में देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा और इसका रीज़न भी बताऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप पढ़ते रहिए। आपको यहाँ से अगर कुछ फ़ायदा हुआ तो आप कमेंट ज़रूर करें, तो मैं अगला पार्ट आपके लिए बनाऊँ। ऑल द बेस्ट, आप होंगे कामयाब।